दोस्त, एक डिजिटल मार्केटर की विश क्या होती है? आई नो आप तो कहोगे ऑनलाइन से पैसा कमाना, जो कि हाँ एंड गोल होना चाहिए, बट रियल में जो इंसान डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर देखता है ना, वो हमेशा फोकस करता है ऑडियंस टारगेटिंग एंड कन्वर्जन पे, क्योंकि मार्केटिंग का थंब रूल ये कहता है रीच द ऑडियंस, कन्विंस द ऑडियंस एंड कन्वर्ट द ऑडियंस इनटू द पेइंग कस्टमर। तो यहाँ पेइंग कस्टमर वाला स्टेप जो है ये तो बिल्कुल लास्ट में आया ना, और फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, रीच द ऑडियंस, मतलब पहले ऑडियंस तक पहुंचो तो सही, कन्वर्ट तो वो बाद में होगा डिपेंडिंग ऑन योर कन्विंसिंग पावर, और जब वो कन्वर्ट होगा तभी तो पैसे अर्न करोगे। लेकिन कुछ लोगों की गलत सोच क्या होती है, बस किसी तरह से ऑनलाइन अर्निंग हो जाए, बस ये कर दूं पैसा आ जाएगा, वो कर दूं पैसा आ जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग तरीका। तो आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अपना पहला कदम रखा था, तब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग करके ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था, SEO एंड ईमेल मार्केटिंग। SEO इसलिए क्योंकि उस टाइम पे गूगल ही सब कुछ था, गूगल में प्रोडक्ट सर्च होते थे, सर्विसेज सर्च होते थे, कीवर्ड सर्च होते थे, तो SEO तो करना ही था, जिससे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑनलाइन से आता था। और ईमेल मार्केटिंग इसलिए क्योंकि इससे हम डायरेक्टली अपने मैसेज को अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते थे विदाउट एनी कोई मीडिएटर। और बीच में तो गाइस एक ऐसा टाइम आया था, क्या बताऊं, कि ईमेल मार्केटिंग हमें इतना कमा के दे रहा था जिसकी कोई हद ही नहीं थी, क्योंकि हर किसी के पास ईमेल एड्रेस था और स्मार्टफोन्स भी तब इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे, लोग ईमेल्स को अपने स्मार्टफोन पे ही नोटिफिकेशन आते ही पढ़ लिया करते थे। इससे हमारा ऑडियंस टारगेटिंग ना बहुत ही एफिशिएंट हो गया, और सच में कहूं तो डिजिटल मार्केटर्स के तो मजे आने लग गए थे, हम बहुत खुश थे एज अ डिजिटल मार्केटर। लेकिन दोस्त, टाइम के साथ साथ ना ईमेल मार्केटिंग में एक डिप आने लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ईमेल ओपन रेट, क्योंकि अब इस टाइम पे ना जीमेल काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाने लग गया था प्रोमोशनल ईमेल्स पे। इनफैक्ट अलग से जीमेल में एक टैब ही बना दिया था, प्रोमोशनल ईमेल का टैब, जिसमें अगर कोई भी प्रोमोशनल कंटेंट होगा तो वो उस टैब पे जाएगा। और आप और मैं दोनों जानते हैं कि प्रोमोशनल टैब जीमेल पे हम कितना ही ओपन कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्लियर हो गया था कि अब हम अपने कस्टमर्स तक डायरेक्ट मैसेज ईमेल के थ्रू एफिशिएंटली नहीं पहुंचा पा रहे थे। बट ईमेल मार्केटिंग जरूरी था, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तरीका था जो कि हम डायरेक्टली अपने कस्टमर तक अपना मैसेज पहुंचा पा रहे थे विदाउट एनी मीडियम, कोई गूगल फेसबुक बीच में बिल्कुल नहीं था। तो अब हम डिजिटल मार्केटर्स की शुरू हो गई थी रियल वाली प्रॉब्लम, कि करे तो अब करे क्या। फिर धीरे धीरे हम डिजिटल मार्केटर्स ने मार्केट में एक नया हैबिट और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते देखा, एंड दैट वाज व्हाट्सएप। ये भी एक ऐसा चैनल था जिसमें हम अपना कम्युनिकेशन मैसेज डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा सकते थे, और इसका ओपन रेट भी बहुत जबरदस्त था, हमारी उम्मीदों में एक पंख सा लग गया था, उड़ने के लिए तैयार थे। हमने फिर अपनी R&D स्टार्ट कर दी कि व्हाट्सएप के थ्रू कैसे बल्क मैसेजेस भेजे जाए। ढूंढने पे पता चला कि मार्केट में कुछ ऐसे नॉन ब्रांडेड सॉफ्टवेयर्स थे जिसकी हेल्प से आप बल्क मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते थे, और हम डिजिटल मार्केटर्स तो थे ही, हमने ट्राई करना भी शुरू कर दिया। लेकिन वही कहते हैं ना, ढाक के तीन पार, व्हाट्सएप इस तरीके को स्पैम मानता था और नंबर ब्लॉक कर दिया करता था, व्हाट्सएप में स्पैमिंग अलाउड नहीं था। अगेन फिर से हम सब निराश होने लगे कि यार एक उम्मीद की किरण दिखी थी ईमेल मार्केटिंग के अल्टरनेटिव पे, और वो भी अब खास हमें वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना हम डीमोटिवेटेड होने लग गए थे। बट फिर पिक्चर में एंट्री होती है व्हाट्सएप API की, और ये था हमारा वो गेम चेंजर मोमेंट जिसका इंतजार हर डिजिटल मार्केटर कर रहा था। दोस्त, व्हाट्सएप API एकमात्र ऐसा ऑफिशियल तरीका था व्हाट्सएप की तरफ से, जिसमें आप अपने कस्टमर तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचा सकते हो जितना मर्जी क्वांटिटी में, आपका नंबर किस तरह से ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह के करना पड़ता है, बट एटलीस्ट कर पा रहे थे। अब व्हाट्सएप API आने का फायदा पता क्या हो गया है, व्हाट्सएप आज की डेट में द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर वर्ल्ड वाइड, और 500 मिलियन से ज्यादा यूजर तो इंडिया में है। और जहां की व्हाट्सएप ऑलमोस्ट हर फोन में है, तो इसका ओपन रेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपने मैसेज भेज दिया तो आप समझ लेना कि आपने कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा दी। सो गाइस, अब ये व्हाट्सएप API आपको मिलेगा कैसे? देखो, व्हाट्सएप API सिर्फ एक सर्विस है व्हाट्सएप की तरफ से, कि आप इसका API ले लो और जो भी आपके पास टूल है उस टूल के साथ इसको यूज करके आप अपना व्हाट्सएप भेजना शुरू कर दो। अब यहाँ पर एक चीज इंक्लूड हो जाती है, वो है एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि व्हाट्सएप API को यूज करके
आपको एक फ्रंट एंड दे दे जिसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप को मैनेज कर पाओ, चाहे वो आपका ऑटोमेशन हो, चैटबॉट हो, बल्क मैसेज हो, ट्रिगर मैसेज हो, ये सारी चीजें जो है ये किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि व्हाट्सएप आपको डायरेक्टली ऐसा कोई भी फ्रंट एंड डैशबोर्ड या फ्रंट एंड कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देता है जहां से इसके एपीआई को आप मैनेज कर पाओगे। एंड इन टुडेज वीडियो जो मैं आज फ्रंट एंड सर्विस प्रोवाइडर यूज करूंगा फॉर यूजिंग व्हाट्सएप एपीआई, दैट इज WA नोटिफायर। WA नोटिफायर व्हाट्सएप का एक ऑथराइज्ड पार्टनर है जो आप जैसे और मेरे जैसे बिजनेसेस को व्हाट्सएप एपीआई को यूज करने की फैसिलिटी देता है। तो अब आप बोलोगे कि WA नोटिफायर ही आज मैं क्यों यूज करूंगा, तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कि WA नोटिफायर आपसे मार्कअप चार्जेस नहीं लेता है। अब ये मार्कअप चार्जेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल की व्हाट्सएप एपीआई आपसे पर मैसेज करने के कुछ चार्जेस लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैसेज भेजने का 72 पैसे लेता है, तो WA नोटिफायर में आपको 72 पैसे ही देने हैं। लेकिन अगर कोई और सर्विस प्रोवाइडर होता तो वो उस 73 पैसे के ऊपर भी अपना कोई एक मार्जिन रखता और आपसे फॉर एग्जाम्पल 82 पैसे या 90 पैसे लेके अपना मार्जिन भी निकाल लेता। बट WA नोटिफायर के साथ बिल्कुल भी नहीं है, जितना आपका व्हाट्सएप एपीआई का चार्जेस है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप को पे करो। WA नोटिफायर सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन प्लान का आपसे चार्ज करेगा, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, मान लो मेरी बात। अब और क्या फीचर है जो कि WA नोटिफायर में आप यूज कर सकते हो, सबसे पहले आप बल्क मार्केटिंग जो कि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं, लाखों लोग बोलो या करोड़ों बोलो, आप भेज सकते हो। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही भेज सकते हो जिनका कंसेंट आपके पास है, मतलब वो ऑप्ट इन यूजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कोल्ड मैसेज भेज रहे हो। सेकंड, ट्रांजैक्शनल मैसेजेस भेज सकते हो, जैसे कि किसी का ऑर्डर कॉन्फर्मेशन है या फिर शिपिंग के अपडेट्स या फिर रिटर्न का अपडेट्स, कुछ भी होगा ना वो ऑटोमेटिक आप इसमें जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप यहाँ पर टेम्पलेट्स बना सकते हो जिसके लिए आपको बार बार अपना नया मैसेज नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है डिटेल डिलीवरी रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। इसके अलावा पावरफुल ऑटोमेशन है, जैसे कि इसमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिगर्स बना दो कि ये होगा तो ये वाला मैसेज चला जाए, ये होगा तो ये वाला मैसेज चला जाए। एग्जांपल के तौर पे कोई आपकी साइट पे आता है, वो चेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन चेकआउट के टाइम पे ना वो क्रॉस कर देता है, तो इसका मतलब एक ट्रिगर ये हो गया कि उसने चेकआउट करना स्टार्ट किया था लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको एक कस्टमाइज मैसेज चला जाए। तो ये ऑटोमेशन पॉसिबल है WA नोटिफायर के थ्रू। नेक्स्ट है चैटबॉट्स, ये सबसे सेवियर होता है गाइस। क्या होता है कि आपके कस्टमर्स बहुत है लेकिन आपके पास टीम इतनी बड़ी नहीं है कि हर कोई रिप्लाई देगा हर पर्टिकुलर चैट का, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के चैटबॉट बना दोगे। फॉर एग्जांपल आपको अपनी सर्विसेज पता है, प्रोडक्ट पता है, लोग क्या करते हैं एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हर कोई पूछते हैं ना, उनका आप चैटबॉट बना दो कि अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर अपने आप चला जाए, ये क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर चला जाए। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर को इजीली और इंस्टेंट रिप्लाइज भी मिलते रहेंगे और उनकी सारी क्वेरी भी सॉल्व हो गई विदाउट आपका मैनुअल इंटरवेंशन रहे। नेक्स्ट है आप कैटलॉग व्हाट्सएप में ही बना सकते हो, जिससे आपके सारे प्रोडक्ट के लिए उसको आपकी वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं है, उसने वही देख लिया व्हाट्सएप में कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, वहीं से पेमेंट किया, इजीली ऑर्डर आ गया। ड्रॉप शिपर्स के लिए तो ये कैटलॉग तो मतलब एक सोने की चिड़िया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इनबॉक्स जो है व्हाट्सएप का वो मैनेज कर सकते हो। मान लो एक व्हाट्सएप नंबर पे तो आप एक ही मोबाइल पे चला सकते हो, अब आपके पास एक ही बंदा है उसको रिप्लाई करने के लिए, चाहे 10 मैसेज आए या 1000 मैसेज आए। अब आप क्या कर सकते हो, अपना इनबॉक्स का डैशबोर्ड ना अलग से आप लैपटॉप में यूज कर सकते हो, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ भी ये इनबॉक्स जो है शेयर कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं व्हाट्सएप का एक ही नंबर यूज करता हूँ लेकिन मल्टीपल टीम मेंबर्स मेरे अपने कस्टमर्स को रिप्लाई कर सकते हैं, ये भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर है अगर आप व्हाट्सएप एपीआई को यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ WA नोटिफायर। आई होप कि मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं कि मैं WA नोटिफायर आज इस वीडियो में क्यों यूज करूंगा, आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए कि कैसे हम व्हाट्सएप एपीआई का यूज करके अपने छोटे से छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा दिखा के कस्टमर्स के सामने उनको कैटर कर सकते हैं, और उनको लगेगा भी नहीं कि हम इतने छोटी सी टीम इतना बड़ा काम कर रही है, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा दिखेगा बिकॉज इतना इंस्टेंट रिप्लाई और इतना जबरदस्त ऑटोमेशन रहेगा कि हमारा बिजनेस या हमारी कंपनी उनको हमेशा ना ऐसी लगेगी कि इट्स अ बिग कंपनी। So guys, ये तो थी कहानी WhatsApp Business API क्या होता है और इनके फीचर्स क्या होते हैं। अब इन्हीं फीचर्स को यूज करके हम कैसे अपने बिजनेस के लिए एक सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हैं जो कि पूरा ऑटोमेशन पे रहेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो ही मेन सेगमेंट है जो इस वीडियो में आपको एज अ वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो चलो जल्दी से बता देता हूँ। अब सेल्स फनल अगर बनाना है तो मुझे एक बिजनेस को माइंड में रखते हुए सेल्स फनल को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बिजनेस को हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, विच इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप में से बहुत लोग हैं जो SEO की सर्विस, सोशल मीडिया सर्विस, ईमेल मार्केटिंग सर्विस, किसी टाइप का भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए व्हाट्सएप के थ्रू कैसे सेल्स फनल बनाया जा सकता है, मैं डिटेल में बताता हूँ। फनल का स्टेप वन, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करो, मतलब आपके पास जो भी सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उनके लिए आपके कस्टमर्स आप तक आए इसके लिए एक चैनल ढूंढो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, लिंक्डइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी है, वहां से जो भी आपके पास ऑडियंसेस आएंगे उन ऑडियंसेस को आप एक बार
लाके उनको अपने WhatsApp कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल करवा दो। अब ये शामिल करवा दो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके फनल के स्टेप नंबर 2 में आ जाए, विच इज ऑप्ट इन। मतलब वो आपके WhatsApp के नोटिफिकेशन को ऑप्ट इन कर ले। अब जैसे उनको दिखेगा कि यार अगर मैं इस WhatsApp नोटिफिकेशन को ऑप्ट इन कर लेता हूं तो मुझे ये फायदे मिलेंगे। कौन से फायदे? बहुत सारे हो सकते हैं। आप उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स प्रोवाइड करते हो, आप उनको बड़ी ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करते हो SEO से रिलेटेड, या अपने एजेंसी के जितने भी वर्क है उससे रिलेटेड आप उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हो जो कि मार्केट में यूनिक है और वैल्यूएबल है, तो वो डेफिनेटली आपको ऑप्ट इन देना चाहेंगे और इस तरीके से आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है व्हाट्सएप की वो बढ़ती जाएगी। स्टेप 3 ऑफ द फनल इज एंगेजमेंट विद पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। अब आपके पास लिस्ट बनती जा रही है ना, उस लिस्ट पे अपने ऑडियंसेस को देखो कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और उस अकॉर्डिंग सेगमेंटाइज कर दो ऑडियंसेस को कि कौन से टाइप के इंटरेस्ट या बिहेवियर के लोग किस लिस्ट में जाएंगे, और उन लिस्ट के लोगों को पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन मैसेज का ऑटोमेशन लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लैंडिंग पेज पे आता और मैं आपके व्हाट्सएप को ऑप्ट इन कर लेता और मेरा जो इंटरेस्ट है वो फॉर एग्जांपल है कि मैं SEO से रिलेटेड अपना कोई काम चाहता हूं आपसे ये फ्यूचर में, लेकिन अभी आपका कंटेंट देख रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, मुझे SEO से रिलेटेड डेली वैल्यूएबल कंटेंट धीरे धीरे भेज रहे हो कि SEO में मेटा क्या होता है, SEO में डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारा नॉलेज आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। या फिर आप ये भी प्रोवाइड कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल आज आपके पास कैसा क्लाइंट आया था, उन क्लाइंट का आपने SEO में कौन से कीवर्ड को रैंक कराया, इससे क्या हो रहा है मैं आपके कंटेंट से एंगेज हो रहा हूं और जितना एंगेज हो रहा हूं उतना मैं आपकी सर्विसेज के लिए मोटिवेट होता जा रहा हूं। रीजन, क्योंकि आप मुझे वो वैल्यू दे रहे हो जिसकी मुझे तलाश थी। स्टेप 4, पुश टू कन्वर्जन। अब आपने अच्छा खासा एंगेज करना शुरू कर दिया अपने ऑडियंस को, लेकिन फाइनल और एंड रिजल्ट तो हर बिजनेस का क्या होता है, कन्वर्जन, पैसा आना चाहिए। तो ये पैसा कब आएगा, जब वो अपनी इच्छा से आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए अब आप उनको ऑफर्स भेजो, आप उनको फ्री ट्रायल्स दो, आप उनको ऐसे ऐसे स्पेशल कंसल्टेशंस दो कि उसके बाद उसको लगे कि हाँ अब मुझे सर्विसेज जो है वो ले लेनी चाहिए। सेल्स फनल के इस फेज में आपको उसको डिस्काउंट देना चाहिए, ऑफर्स जितना ल्यूक्रेटिव बना सकते हो दो। साथ ही इसी फेज में अगर वो जो जो चाह रहा है, आपके अगर वो कैपेबिलिटी में है, आप दे दो भाई, क्योंकि इस टाइम पे हमें उसे कन्वर्जन में पुश करना है। अब जैसे ही वो कन्वर्ट होता है, स्टेप 5 यहां से एक्टिवेट हो जाना चाहिए, दैट इज योर आफ्टर सेल्स कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप API के थ्रू आप उसे सेल्स का ऑर्डर कॉन्फर्मेशन भेजो, उसका जो भी प्रोजेक्ट डिटेल है वो भेज दो, उससे रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मैन्युअली भेजने थे वो सारा ऑटोमेट कर दो, कि जैसे ही कोई पे करे व्हाट्सएप बिजनेस API उनको ऑटोमेशन के थ्रू ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट भेज दे। इससे आपके ऑडियंस का एक ट्रस्ट बना रहता है कि हाँ उन्होंने ये सर्विस ली है और उसके अगेंस्ट उनको वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो उन्होंने बाय किया है। स्टेप 6 ऑफ द फनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज रीएंगेजमेंट। अब आप एक बार सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं करोगे या एक बार ही पैसा ले लिया और दैट इज एनफ, ऐसा नहीं होता है एक बिजनेस में। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है आपको एक ही ऑडियंस को लाइफ टाइम तक बार बार चर्न करना होता है, तो यहां पर रीएंगेजमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है और व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू ये बहुत ही क्रीम तरीके से हो जाता है। कैसे? उन्हें रेगुलर अपडेट्स भेजते रहो व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू, क्योंकि आपके पास तो कस्टमर बेस का ऑप्ट इन है और आपको पता है कि कौन सा कस्टमर क्या सर्विसेज ले रहा है आपसे, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपके पास सेगमेंट भी है, लिस्ट है हर ऑडियंस की, ये इस टाइप का इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये इस टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है। बस उनके बिहेवियर और इंटरेस्ट के बेस पे उनको अपडेट्स भेजते रहो, नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते रहो, आप अपनी अचीवमेंट्स दिखाते रहो, टेस्टिमोनियल्स भेजते रहो। इससे आपकी ऑडियंस आपसे हमेशा रीएंगेज्ड रहेगी और इसका फायदा होगा कि आप लाइफ टाइम तक उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है आपके बेचते रह पाओगे। सो गाइस, इस तरीके से आपका जो फनल है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका बिजनेस जो है वो चलना भी स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे वो ग्रोथ की तरफ जाता है, एंड दिस इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो गाइस, आई होप आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आज की डेट की टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आज के डेट के कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हो और अपनी बिजनेस की ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। सो गाइस, ऑलवेज स्टे अपडेटेड। मैंने कहा ना आपको कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चिपके रहोगे ना तो गाइस ये बड़ी कंपनी नहीं रहती है, तो हम क्यों रहे। तो इसीलिए ऑलवेज स्टे अपडेटेड, कीप यूजिंग द न्यू
न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट. करंटली इट इज व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए आप यूज कर सकते हो WA नोटिफायर. हो गई आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई है? कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, फीडबैक जो भी है कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा. मेक सेंस? चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गाइज यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए इस टाइप के धांसू कॉन्टेंट के साथ. बाय. जय हिंद, जय भारत.